प्राची धुआं, अरे ये तो अंदर से लॉक है, अंदर कोई है शायद। पूरा रूम धुआं से भर रहा है। प्राची प्राची बाहर चलो। नहीं नहीं मुझे देखना है अंदर कौन है, अंदर कौन है। प्राची बाहर चलते हैं, जो भी अंदर है बाहर आ जाएगा। प्राची प्लीज नहीं सिर्फ मुझे देखना है कौन है, कौन है तुम बाहर आओ। दरवाजा बाहर से बंद है। क्या कैसे हो सकता है, बाहर से तो हम आए हैं। एक्सक्यूज मी, इधर आइए प्लीज। आप ये दरवाजा खोलेंगे प्लीज, मेरा वॉलेट रह गया अंदर। अरे मेरा वॉलेट रह गया अंदर, आप दरवाजा खोलिए खोलिए। मैंने कहा था अब हो गया यकीन। प्राची रणवीर, मेरे चावा तुम आ गए, मैं कब से। चुप रहो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। कोई कहानी मत बताना, क्योंकि तुम्हारी सारी कहानियों का ना पर्दाफाश मेरी आंखों के सामने हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम रणबीर, कब से चल रहा है ये सब? क्या कब से चल रहा है? तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या बोल रहे हो तुम ये रणबीर, तुम क्यों जा रही हो यार? रुको, शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि आज इनकी असलियत सबके सामने आएगी। तुम यही रहो। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी बीवी तेरे सामने खड़ी है, कुछ भी बोले जाएगा क्या? थोड़ी शर्म तो कर। रणबीर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? किसने डाली तुम्हारे दिमाग में इतनी घटिया बात? बस भी करो प्राची, कहीं तो रुक जाओ। पूरी दुनिया में तुम्हें तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। रिया, क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्यों करूंगी ऐसा? किससे मिल के आए तुम लोग? क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? हैरान क्यों रहे तू? जो तुम दोनों के दिल में था आज वो मेरे दिमाग में। जब सच ने अपनी जगह बदल ली तो झूठ इतना परेशान क्यों हो रहा है? बस करो प्राची, बस करो। एक बात बताओ प्राची, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि सिद्धार्थ मेरा पति है? अरे उसको अपने पति का ख्याल नहीं आया, तुम्हारे पति का ख्याल क्या आएगा? रणबीर, मैं कब से तुम्हें अरे
रणबीर, मैं रिया को घर जाके समझाता हूँ, बट तू मेरी बात समझ भाई। तेरे कान भर दिए किसी ने, मैं और प्राची यहाँ सिर्फ मजे करने आए थे। रणबीर, कैसी बातें कर रहे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शर्म आई ये सब करने से पहले? जब तुम्हें शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने से पहले कुछ शर्म आएगी? आई शर्म तुम्हें? रणबीर क्या कर रहा, छोड़ से मत बोल। अगर तुमने एक शब्द और बोला ना सेंट, तो जो गुस्सा मेरा प्राची के लिए वो सब तुझ पे निकल जाएगा। So shut up. क्यों किया तुमने? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी? अगर तुम्हें ये सब ही करना था ना प्राची, तो तुम्हें जीते जी मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्राची, लड़की जब शादी करती है ना तो वो घर छोड़ के आती है। मैंने घर छोड़ा, शादी के बाद घर संभालती है, लेकिन मैंने घर संभाला और तुम्हें काम करने के लिए बोला। मैं प्यार में शादी की सारी रस्में बदलने चला था, पर तुमने तो शादी की सारी कस्में बदल डाली। नहीं रणबीर, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो, ये गलत है। तुमने तो शादी के बाद अपना कैरेक्टर बदल दिया प्राची। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे और सिद्ध के साथ, मेरे खुद के भाई के साथ। तो पागल हूँ। प्यार करते थे ना मुझसे, भरोसा करते थे। मैं कब से कह रही हूँ रणबीर, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात छोड़ो, मुझे मुझे टच मत कर। इन्हीं हाथों से तुमने इसको छुआ है ना, अपने ये गंदे हाथ अपने पास रखो, मुझे कभी छूने की कोशिश मत करना। दूर रहो मुझसे, तुमने मेरे प्यार की बेइज्जती करी। You have insulted my love. रणबीर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? क्या सुनूं? तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। हाँ, अगर प्यार नहीं था तो धोखा कैसा? तुमने मुझसे प्यार नहीं किया प्राची, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें खुश करने के लिए, और तुम मेरा ये जो प्यार है वो किसी और पे लुटाती चली गई। रणबीर, मैं तुम पे भरोसा करता रहा, और तुमने मेरे भरोसे को टिश्यू पेपर समझ के जब जहां मन करा वहां इस्तेमाल करके फेंक दिया। अरे तुम्हें किसी और के साथ ही कुछ करना था तो मेरे साथ शादी क्यों करी? मना कर देती ना मुझे शादी करने की क्या जरूरत थी, मुझे भरोसा दिलाने की क्या जरूरत थी, मुझसे प्यार करने की क्या जरूरत थी? एक सेकंड, मुझे ऐसा लगता है तुमने मुझसे शादी करी और उसके बाद तुम्हारा दिल किया कि किसी और मर्द के साथ रहूं मैं, और फिर तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा, है ना? है ना? मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आया, क्यों मुझे नहीं दिखाई दिया? मेरे सामने सब कुछ हो रहा था और मैं पागलों की तरह गुण गा रहा था कि वाओ प्राची इक्वल्स टू प्यार, प्यार इक्वल्स टू गुड रिलेशनशिप इक्वल्स टू भरोसा, भरोसा इक्वल्स टू नाइस मैरिज। मुझे लगता था कि प्राची और मेरी शादी सबसे अच्छी शादी, मैं नंबर वन पति बनना चाहता था यार, नंबर वन, लेकिन नंबर वन पति नहीं बना मैं नंबर वन बेवकूफ बन के रह गया। आंखों के सामने सब होता रहा और मेरा प्यार और भरोसा इतना था तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ इग्नोर करता चला गया। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीजों पे। तुम स्टूपिड, मैं बेवकूफ था, मैं पागल था, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। सारा दिन सिट के साथ काम करती थी तुम, सारा दिन तुम्हें ऑफिस में रहना होता था ना, प्रेजेंटेशन बनानी थी, सब करना था, और घर पे आके भी मैं तुमसे पूछता था तुमने क्या किया, तो तुमने बोलती थी सिट के साथ रही मैं, घर पे फोन पे भी बात करा करती थी सिट से, राइट? और मैं पूछता रहता था, पर तुमने कभी मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे बस ये बोला कि वो मेरे साथ काम करता है, दैट्स इट, राइट? सिट ये, सिट वो, सिट ने ऐसे किया, सिट ने ऐसे अप्रिशिएट किया, सिट ने वैसे अप्रिशिएट किया। सिट 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 पता है प्राची क्या होता था, जब लोग मुझसे पूछा करते थे ना कि आपकी बीवी रात को काम करती है, मैं बहुत प्राउड होता था और प्राउडली बोलता था उनको कि मेरी बीवी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, पूरी रात जाग के काम करती है। आज मुझे समझ में आ गया मेरी बीवी क्या काम करती थी। रणबीर तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। तूने अपनी लिमिट क्रॉस करी?
तुझे पता भी है लिमिट क्या होती है? तूने कभी देखी लिमिट? अगर पति पत्नी घर के अंदर है तो घर के अंदर आने की एक लिमिट होती है। कभी सोचा उस बारे में? अगर तू अपने कोवर्कर से बात कर रहा है तो उस बात करने की थोड़ी लिमिट होती है, तूने सोचा? नहीं ना? अगर तू बातें करते करते फ्लर्ट कर रहा है तो उसकी एक लिमिट होती है। जब तूने कोई लिमिट के बारे में नहीं सोचा, सारी लिमिटें क्रॉस कर दी, तो मैं क्यों लिमिट के बारे में सोचूं? मेरी गलती है, मैं तुझ पे भरोसा करता था, मैं भाई मानता हूं तेरे को, पर तूने मेरी नाक के आगे आके ये सब कर दिया। तू साधु के बेस में रावण है तू। तेरी नजर हमेशा मेरी सीता पे थी, मुझे तेरी सारी बातें याद है अच्छे से। तू बोला करता था ना कि प्राची बहुत अच्छी है, मैं प्राची जैसी बीवी चाहता हूँ। चाहता है ना तू प्राची जैसी बीवी? मुझे तेरे जैसी लाइफ चाहिए ना, तो मुझे प्राची जैसी वाइफ ही चाहिए। ओहो, और मेरे को मिलती ही नहीं। मेरी आंखों में देख, है ना? तू कहता था ना कि तू 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 जलता है जब प्राची और मेरा प्यार देखता है। हाँ, तो मैं जेलस भी हो रहा हूँ। I don't love, इतना कि तुझे नींद में पता लगा कि प्राची तेरे साथ ही नहीं है। Seriously, I am jealous. तू तो साले प्राची का दोस्त है यार, दोस्त प्राची का। मैं तो प्राची का पति हूँ। मुझे कितना बुरा लगा मेरी जलन के बारे में सोच, तूने नहीं सोचा ना एक बार भी ये सब करने से पहले? नहीं सोचा ना, नहीं सोचा तूने? ऐसा है तू दोस्त नहीं है, तू आस्तीन का स्टॉप है, स्टॉप। मन तो कर रहा तुझे ना? मैं क्या करूं, बस हो गया, बस बस हो गया। I am so sorry, Sid. मुझे माफ कर दे यार। I'm so sorry, प्राची। मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं, I think तू हस्बैंड, मैंने तुम्हारे हस्बैंड की शर्ट खराब कर दी। तुमने मान ही लिया होगा ना अभी तक दिल से इसको हस्बैंड अपना? तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगी, तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। नजर लग गई हमारे रिश्ते को रणबीर। नजर लगी नहीं है प्राची, नजर पड़ गई। अब इसकी नजर पहले खराब हुई है नियत, वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी गलती नहीं है। हमारे घर पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि आई एम अवेलेबल, इसको क्या बोलूं? रोना आ रहा है, ये आंसू का कोई फायदा नहीं है, ये आंसू छोटे हैं, सच्चे नहीं है। कुआ ही गंदा हो तो पानी कैसे साफ होगा? और शर्म के आंसू ना शर्मिंदगी से सूख जाते हैं, इसे बाहर नहीं आते। कितना भरोसा किया मैंने तुम पे, तुम दोनों पे कितना भरोसा किया, तुम्हें जान से ज्यादा भरोसा किया, और तुम लोगों ने सारा भरोसा तोड़ दिया मेरा। इनफैक्ट तुम्हें पता है, एक इंसान ऐसा भी था जो मुझे ये बोल रहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ है, और मैं पागलों की तरह बिलीव करके बैठा था कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, प्राची और सिर्फ दोस्त है, उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं गलत था, मैं यहाँ पे तुम्हारी तारीफ करता रहा और पीठ पीछे तुम दोनों मिलके मेरे बारे में क्या बोलते थे, कितना बेवकूफ है रणबीर, कितना स्टूपिड है, कितना पागल है, कितना निठल्ला है। हाँ, बोलती थी, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, इसके पास जाओ और इसको बोलो कि रणबीर मैं तो दुनिया की सबसे लकी वाइफ हूँ। वो सब इसने बोलती थी तुम, ताकि मैं पूछू ना कि तुम किसके साथ थी, क्या कर रही थी। कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया तुमने मुझे, जिसे तुम मेरी बेवकूफी समझ रही थी ना प्राची, वो मेरी बेवकूफी नहीं थी, वो मेरा भरोसा था तुम पे, इस पे। तुमने मेरा वो पूरा भरोसा तोड़ दिया, तुमने पहले भरोसा तोड़ा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। नहीं रणबीर। हाँ प्राची, हाँ, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। कितना झूठ बोला तुमने मुझसे, तुमने मुझे बोला रणबीर मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं मान गया, तुमने मुझे बोला कि तुम्हारी रात को मीटिंग है, मैं मान गया, तुमने मुझे बोला कि तुम्हें जाना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना था, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे दूर जाना था, और मैं देख ही नहीं पाया। कोई कहीं नहीं जा रहा था रणबीर, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा? तुम मेरे साथ हो, हाँ, तुम मेरे साथ थी, लेकिन तुम प्यार किसी और से करती थी। मैं यहाँ पागलों की तरह अपना फ्यूचर प्लान करता था तुम्हारे साथ, क्या होगा, और तुम ये प्लान करती थी कि सिट के साथ कहाँ जाना है। Enough, Ranveer. What enough? और जब तुम लोग साथ में ज्यादा घूमने लगे, एक साथ ज्यादा क्लोज हो गए, तब तुम मेरे लिए तोहफे लाने लगे, तुम मेरे लिए तोहफे लाती थी ना, और वो मेरे नहीं थे, वो सिट के लिए थे। हाँ, तेरे लिए थे वो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, वो तोहफे सिट के लिए थे, और सिट को जो तोहफे पसंद नहीं आते थे वो तुम मेरे लिए ले आती थी। तुम मुझे याद है, तुमने मुझे एक जैकेट भी दी थी, याद है, लेकिन मुझे वो बहुत ही अनईजी लग रही थी, क्योंकि वो सिट को पसंद नहीं आई थी, सिट की उतरन थी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई उतरन नहीं चाहिए, चाहे वो जैकेट हो या वो तुम हो। बस बस हो गया रणबीर, अब मैं तुम्हें और बेइज्जती करने नहीं दूंगी। अपनी तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाया? मजाक तुम उड़ा रहे हो, मेरे प्यार का, अपनी शादी का, रिश्ते का। तुम कह रहे हो मैंने तुमसे शादी की और निभा किसी और के साथ रही हूँ, भूल गए तुम कि मांग में तुम्हारे नाम का कुमकुम है? Who knows? क्या पता तुम्हें जो मांग में कुमकुम डालती हो मेरे नाम का नहीं सिद्ध के नाम का डालती हो। अब और नहीं, एक शब्द और नहीं रणबीर, तुमने हर मान मर्यादा को पार कर दिया है, अब एक शब्द भी और बोला ना तो क्या कर लोगी तुम? मारोगी मुझे, जान से मार दोगी? तुम्हें क्या लगता है मुझसे दूर चली जाओगी तुम इसके बाद? तुम्हें लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा जिंदगी में? कभी नहीं प्राची, कभी नहीं। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे नफरत हो रही है, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसी गिरी हुई लड़की से प्यार कैसे कर लिया। I wish I was dead. या तो मैं मर जाता ऐसा देखने से पहले, या तुम मर जाती। तुम्हारी हार वाली फोटो देख के जिंदगी भर रो लेता, लेकिन मैं तुम्हारा ये रूप नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी प्राची, जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? कुछ नहीं किया रणबीर, कुछ नहीं किया। कितना प्यार करता था मैं इस चेहरे से, हमेशा तुमसे एक ही चीज पूछता रहता था कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो। खूबसूरती आज समझ में आ गया, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। आई नो तुम हर्ट हो, बहुत गुस्सा हो, दिल टूटा है तुम्हारा, भरोसा टूटा है, पर प्यार, प्यार का क्या, प्यार यही रहता है, प्यार कहीं नहीं जा। और सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार अपने अपने इस दिल पे हाथ रख के सोचो, एक बार क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्या तुम्हारी प्राची ऐसा कर सकती है? कर सकती नहीं, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती, बहुत प्यार करती तुमसे, और सिर्फ तुमसे। मुझे ना तुमसे प्यार करने के अलावा और कुछ नहीं आता, तुम्हारे नाम के अलावा और कुछ याद नहीं रहता, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कैसे बोल सकते हो किसी और के बारे में? मैं सोच इस जन्म में क्या, अगले हर जन्म में तुमसे प्यार करूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। इस चेहरे पे मासूमियत लाओगी ना तो ये चेहरा और भी बदता दिखेगा। तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोला है, तुम्हें मौत तो नहीं, कम से कम थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और आइंदा से मेरे पास मत आना, और अगर तुम मेरे आसपास मुझे दिखाई दी या तुमने मुझसे बात करने की या मुझे छूने की भी कोशिश करी ना, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा ना प्राची, जो कि मैं खुद नहीं जानता।
और अगर तुम मेरे आसपास मुझे दिखाई दी या तुमने मुझसे बात करने की या मुझे छूने की भी कोशिश करी ना, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा ना प्राची, जो कि मैं खुद नहीं जानता।